हमारी आज की मूवी का नाम है सीड ऑफ चकी। नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे, इस मूवी में हमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, एक डॉल देखने मिलती है जिसके नाम शिटफेस होता है। शिटफेस काफ़ी ज़्यादा अगली होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया होता है ये। और शिटफेस यहाँ पर काफ़ी एम्बेरेसमेंट भरी हुई ज़िंदगी जी रहा था और उसे काफ़ी फोर्स किया जाता था कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए, जहाँ उस पर लोग मजाक उड़ाया करते थे और एट द एंड ऑफ द डे उसे एक केज में बंद किया जाता था। शिटफिश ये लाइफ से बाहर निकलना चाहता था, उसे भी अपनी फैमिली चाहिए होती है। और जब वो केज में बैठा होता है, एक टेलीविजन शो देख रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक टीवी पर टिफनी और चकी दिखाई देते हैं एक इंटरव्यू में। और चकी के हाथ में सेम मेड इन जापान वाला टैटू होता है जो शिटफिश के हाथ में होता है। फिर शिटफिश को टॉर्चर करने के लिए उसी का ओनर जो उसे कैद करके रखता था, वो आदमी उसके केज में एक रैट डाल देता है। लेकिन शिटफेस बड़े ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और एक ट्रक के सहारे दूर भाग जाता है। अब वो फ्री है, इसलिए वो लॉस एंजलिस आ जाता है चकी और टिफनी के तलाश में। हॉलीवुड रूम तक वो प्रॉप रूम में आ जाता है और चकी और टिफनी को ढूंढ लेता है। और क्योंकि वो उन्हीं का सन होता है, तो वो उसके पास हार्ट ऑफ डंबाला रॉकेट भी होता है जिसपे स्पेल्स लिखे होते हैं। वो स्पेल्स की मदद से चकी और टिफनी की सोल को वापस डॉल्स में डाल देता है और वो लोग जिंदा हो जाते हैं। जैसे ही चकी और टिफनी को होश आता है, वो लोग खुद को प्रॉप रूम में पाते हैं। चकी शिटफेस को देख के पहले तो बहुत ज़्यादा हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है, पर जैसे ही पता चलता है उसे कि वो उन्हीं का बेटा है, तो चकी को अचानक से चक्कर आ जाता है। वही टिफनी को बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ आ जाता है उस पर। फिर प्रॉप रूम में इन लोगों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये लोग पपेट्स की तरह स्टैचू हो जाते हैं। जैसे ही वो मेकअप आर्टिस्ट रूम के अंदर एंट्री करता है, वो टिफनी को उठाता है और टेबल पे रखता है। चकी आकर टिफनी की हेल्प से उस आदमी को मार डालता है। ये सब देख के शिटफेस पैंट में पिस कर लेता है डर के मारे। फिर चकी और टिफनी शिटफेस को एक दूसरा नाम देते हैं, जहाँ टिफनी उसे ग्लेंडा कहकर बुलाती है और चकी उसे ग्लेन नाम दिया होता है। फिर जेनिफर टिफनी आ जाती है उस रूम में और मेकअप आर्टिस्ट की डेड बॉडी को देख के वो वहाँ पर कॉप्स बुला देती है। जेनिफर टिली एक हॉलीवुड स्टार होती है, वही उसका ड्राइवर भी उसे लाइक कर रहा होता है। टिफनी, चकी और ग्लेन तीनों जेनिफर टिली के साथ उसकी कार में बैठ के घर चले जाते हैं जेनिफर। फिर जब रात को टिफनी और चकी ग्लेन को सुना रहे होते हैं, तभी ग्लेन उन्हें पूछता है कि आप लोग ये मर्डर्स क्यों करते हो, ये चीज़ बुरी होती है। और तभी टिफनी इमोशनल होकर एक डिसीजन ले लेती है कि आज के बाद वो और चकी मर्डर्स नहीं करेंगे। रेडमैन की आने वाली मूवी में जेनिफर को रोल मिले, इसलिए जेनिफर उसे शाम को अपने घर बुलाती है। तभी रेडमैन भी शाम को उसके घर आ जाता है। टिफनी चकी को उसका सीमेन कलेक्ट करने के लिए कंटेनर देती है, ताकि उस सीमेन से वो सरोगेट मदर से एक न्यू बेबी बॉर्न कर सके। फिर थोड़ी देर बाद टिफनी रेडमैन को पीछे से सिर पर मार के बेहोश कर देती है और जेनिफर को भी बाद में गिरा के बेहोश कर देती है। फिर चकी और टिफनी इन दोनों की बॉडी को घसीट के रूम में ले जाते हैं और बेडरूम में बेड पे रख देते हैं। और फिर बाद में टिफनी जो चकी का सीमन होता है, उसे जेनिफर के अंदर बॉडी में इंसर्ट कर देती है। वही एक फोटोग्राफर जेनिफर को स्टॉप करते हुए उसकी पिक्स ले रहा होता है, तो चकी ग्लेन को लेकर कार ड्राइव करते हुए उस फोटोग्राफर के स्टूडियो जाता है और रस्ते में वो एक और ड्राइवर का मर्डर भी कर देता है। फिर चकी ग्लेन के साथ उस फोटोग्राफर के स्टूडियो पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, और चकी को वहां पर देखकर वो फोटोग्राफर एकदम से डर जाता है। लेकिन ग्लेन को अचानक से टेबल के नीचे देखते हुए वो फोटोग्राफर एक पीछे लगे हुए स्टॉल से टकराता है, जिसकी वजह से ऊपर रखा हुआ एसिड उस पर गिर जाता है और उसका पूरा फेस जल जाता है। और चकी ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस मोमेंट की एक फ़ोटो लेकर वो अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद जेनिफर जाकर रेडमैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रेडमैन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे अपनी अपकमिंग मूवी में भी ब्रेक नहीं दे सकता। ये सब सुनने के बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाद में टिफनी भी ये बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रेडमैन पे, तो वो उसे मार देती है। फिर चकी और टिफनी दोनों मिलकर जेनिफर को बेड से बांध देते हैं जब वो सो रही होती है। उसी के बाद जैसे
ही जेनिफर को होश आता है, वो चीखने चिल्लाने लगती है और तभी चकी बहुत चालाकी से जो पिक उसने फोटोग्राफर के साथ ग्लेन के साथ ली थी वही पिक वो फ्लोर पे गिरा देता है और टिफनी वो पिक देख लेती है। टिफनी बहस करने लग जाती है उस चीज़ पे। उतने में ही चकी एक वार्डरोब पे मारता है जहाँ से रेडमैन की बॉडी निकलती है। अब रेडमैन तो मर चुका लेकिन ये दोनों को अपनी सोल तो ट्रांसफ़र करनी ही है ह्यूमन बॉडीज़ में, तो वो आप करेंगे कैसे। फिर टिफनी जेनिफर के ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है ताकि वो जेनिफर के ड्राइवर में चकी की सोल डाल सके। तभी जेनिफर की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है डोर पे। वो जैसे ही अंदर एंटर करती है ग्लेंडा उसे जला कर मार डालती है और ये करने के बाद ग्लेंडा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है क्योंकि उसे ये मर्डर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो एक साइको की तरफ बिहेव कर रही होती है और ये देख के टिफनी उसे स्लैप कर देती है और वो होश में आ जाती है। तभी जेनिफर एक बेबी को जन्म देती है और टिफनी चकी को बताती है कि ये एक बेबी बॉय है। फिर वापस एक और बेबी को जेनिफर जन्म देती है और इस बार वो एक बेबी गर्ल होती है। उतने में ही पुलिस की गाड़ी आ जाती है जेनिफर के घर के बाहर और टिफनी जल्दी करने बोलती है चकी को। तभी चकी को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं और उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। वो डॉल में काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे ज़िंदगी भर किलर डॉल के नाम से जाना चाहिए और वो टिफनी को भी मना कहता है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए। लेकिन चकी की ये सारी बातें सुनने के बाद टिफनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे ब्रेकअप कर दे। तो सब किस्सा ही ख़त्म करने के लिए चकी जेनिफर पे नाइफ फेंकता है लेकिन उसका ड्राइवर आके उसे बचा लेता है। वो खुद पर नाइफ ले लेता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और टिफनी चकी पर वही नाइफ फेंक देती है। जेनिफर को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। टिफनी भी उसी हॉस्पिटल में आ जाती है ग्लेन को लेके और डंबाला मैजिक शुरू करने लगती है। उतने में ही वहाँ चकी आ जाता है और वो टिफनी को मार देता है। ये सब देख के ग्लेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए वो वहाँ पर फाइट करने लगता है चकी से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्लेन को कराटे भी आते हैं और वो चकी की बॉडी को पीसेस में काट देता है और मार देता है। ये सब देखकर जेनिफर ग्लेन को अपना लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि टिफनी ने खुद की सोल को पहले ही जेनिफर के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब वो मरी नहीं थी और अब उसके पास टिफनी डॉल भी थी और वो जेनिफर बन के अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। और फिर बाद में उसने ग्लेन की भी सोल को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था।